नमस्कार मित्रों, आज मैं अमेजन को रजिस्टर कैसे किया जाता है, अमेजन की आईडी कैसे बनाई जाती है, उसकी केवाईसी कैसे की जाती है, उसमें वॉलेट में बैलेंस कैसे ऐड किया जाता है, फंड कैसे किया जाता है और रिचार्ज कैसे किए जाते हैं, शॉपिंग कैसे की जाती है, स्टेटमेंट कैसे निकाला जा सकता है, उसके बाद में एड मनी की कैसे की जाती है, यानी इसमें फुल ट्यूटोरियल्स मैंने वीडियो में डेवलप किया है। यानी आपको ए से लेके जेड तक इसमें पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि आपको इस वीडियो को आप स्किप ना करें, क्योंकि आप स्किप करोगे तो वीडियो में आप पूरा नहीं देख पाओगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। हाँ, तो आपको सर्वप्रथम आपको क्या करना है, साइन इन टू योर अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है ना, दूसरे ऑप्शन पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालोगे, नाम डालोगे, ठीक है, पहले नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, उसके बाद में उसको सबमिट करना है। तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, ठीक है, OTP आएगा, कैसे आएगा वो मैं आपको तरीका बता दूँ। जैसे ये है, देखो, वेरीफाई, ठीक है, तो यहाँ पे आपके मोबाइल में जो OTP आए ना वो इसमें डालना, उसके बाद में वेरीफाई करना है इनको। वेरीफाई करने के बाद में स्टेप टू स्टेप आप वीडियो को देखते रहो, ठीक है ना। वेरीफाई करने के लिए बाद में आपकी प्रोफाइल खुलेगी, ये पूरा अमेजन की ऐप का फंक्शन पूरा खुलेगा, उसमें सेंड मनी, स्कैन, पे बिल, ऑफर, तो यानी पूरे इसमें आप सेंड मनी भी कर सकते, स्कैन करके भी किसी को पैसे कर सकते हैं, ठीक है, और पे बिल भी कर सकते हैं, जैसे लाइट बिल, नल बिल, गैस का कोई भी, ठीक है, और ऑफर भी देख सकते हो। और मोर पे आप क्लिक करोगे ना, उसमें KYC का ऑप्शन आता है, ठीक है ना। हाँ, और अगर किसी को आप UPI के माध्यम से कर सकते हो तो भी इसमें सेंड टू कॉन्टैक्ट के माध्यम से कर सकते हैं, सेंड टू UPI ID से भी कर सकते हैं, सेंड टू बैंक अकाउंट, तीनों ऑप्शन है, ठीक है ना, आप तीनों में से कोई भी चूज सकते हो, ठीक है ना। अब आप UPI से करोगे ना तो कैशबैक भी मिलेगा, ठीक है, अमेजन कैशबैक आपको दे देगा, ठीक है, क्योंकि UPI में ऐसा सिस्टम है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लगातार देखते रहो, ठीक है, स्किप ना करें, ठीक है। अब आपको एक्स्ट्रा इसमें 50 कैशबैक मिलेगा, ठीक है, जो आप शॉपिंग करेंगे, ठीक है, जैसे कि रिचार्ज, पोस्टपेड, इलेक्ट्रिसिटी, DTS, वाटर्स, ठीक है ना। अब बिल पेमेंट में आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे लाइट का है, पानी का है, लैंडलाइन बिल है, ब्रॉडबैंड है, ये रिचार्ज आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ, स्टेप टू स्टेप देखते रहो, ठीक है। हाँ, ये सेंड मनी का है, ये फूड का है, जैसे कि आपको ऑनलाइन फूड परचेज करना, ठीक है ना, जैसे डोमिनोज पिज्ज़ा है, ठीक है ना, वैसे, और फीचर जो भी ऑफर में आपको देंगे, ठीक है। और ये शॉपिंग भी आप कर सकते हो, जैसे आपको ऑनलाइन कोई ख़रीदारी करनी है तो आप इस अमेजन के माध्यम से शॉपिंग भी कर सकते हो, आपको कैशबैक भी देगी, ठीक है ना। हाँ, अब आपको क्या करना है, जैसे कि उदाहरण के तौर आपको रिचार्ज करना है तो कस्टमर का मोबाइल नंबर, ऑपरेटर सर्च करना, उसके बाद में प्लान डालना, ठीक है ना, और व्यू प्लान पे अगर जो ऑफर है तो वो कर दो, ठीक है, और सब रिचार्ज कर दो। अब आपको जैसे कि उदाहरण के तौर पे पोस्टपेड रिचार्ज करना है या कोई भी करना है तो मैं आपको तरीका बता दूंगा स्टेप टू स्टेप। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपको लाइट का बिल भरना है तो भी स्टेट सुनना है, राजस्थान स्टेट है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लाइट का बिल, ठीक है, तो जैसे कि आपको कोई भी करना है तो वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आपका सर्च करना है, ठीक है ना, उसके बाद में बिल का नंबर, के नंबर, ठीक है, वो सर्च और सबमिट फाइंड करना, ठीक है। के नंबर डालने के बाद में आपको डाटा फेच करना, ठीक है ना, हाँ, ये के नंबर आ जाएगा ना, उसके बाद में आप फेच कर सकते हो, ठीक है। और इसमें बहुत सारे रिलायंस TV का भी रिचार्ज कर सकते हो, DTS का कोई भी, ठीक है ना, टाटा स्काई का, ये भी ऑप्शन है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा और भी है, इसमें बहुत सारे फंक्शन है, वाटर का बिल भी आप भर सकते हैं, जैसे आपको लाइट नल का बिल, ठीक है, तो आपको ई मित्र CID कोड ये डालना पड़ेगा, ठीक है ना, जो आपके पास में होना चाहिए, तो ही अन्यथा ही आप बिल नहीं भर सकते, ठीक है। और अगर आपको ब्रॉडबैंड का करना है, लैंडलाइन का करना है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी आप रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है वो मैं आपको तरीका बताते हैं। ये ब्रॉडबैंड के लिए आता है ऑप्शन, ठीक है ना, तो अपने इससे कोई सेट साइड नहीं करनी है,
अपने आगे स्टेप टू स्टेप, ये जैसे कि ये पूरा रिचार्ज का ही ऑप्शन है, ठीक है ना, आप इसके आधार पे भी कर सकते हो देख के, ठीक है ना, इसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। और इसमें 200 भी कैशबैक मिलेंगे, ठीक है ना। ये ऑपरेटर आ रहे हैं, ठीक है ना, इस ऑपरेटर को जैसे ही आपके एयरटेल लैंडलाइन बिल है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। कैशबैक आपको इसमें ज़रूर मिलेगा, 100% गारंटी है इसमें, क्योंकि अमेजन 100% हर चीज़ पे कैशबैक देता है। जैसे आप रिचार्ज करो, कोई भी चीज़ करो, ठीक है ना, तो कैशबैक ये 100% देता है। इसमें क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट अदर ऐप में तो इतना कैशबैक का मुझे पता नहीं है, बल्कि अमेजन को मैं यूज करता हूँ तो मुझे पता है इसका पूरा, मुझे गाइड पता है, ठीक है ना। अब रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है, तो आपका तो रिचार्ज तो मोबाइल नंबर डालने के बाद में बस वो का वही ऑप्शन है, ठीक है ना, इसमें कोई तकलीफ नहीं। स्कैन पे स्कैन भी कर सकते हैं, ऐड मनी भी कर सकते हैं, सेंड मनी भी, और आपका स्टेटमेंट भी निकाल सकते हो, फ्लाइट बुक है, रेल टिकट है, बहुत सारे DTS रिचार्ज है, इसमें बहुत सर्विस है, ठीक है ना। KYC, अगर आपको KYC करनी है फुल KYC, तो आपको पैन कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड या वोटर ID, तीनों में से, या पासपोर्ट, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स होने अनिवार्य, आधार कार्ड नहीं चलेगा, ठीक है। और अपलोड योर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ऑप्शन पे जाना है, ठीक है ना, KYC पे क्लिक करोगे ना, अपलोड योर डॉक्यूमेंट, उस पे आपको जितने आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर दो, ठीक है, तो KYC 100% आपकी हो जाएगा, उसके बाद में आपको कैशबैक भी मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को देखते रहो आप। आपको अगर किसी UPI ID रजिस्ट्रेशन करना है, डी रजिस्टर करना है, तो इसके माध्यम से करते, ठीक है, आपको कैशबैक यहाँ पे शो करेगा, ठीक है ना, आपको जो आपको कैशबैक मिलेगा इसमें, जो रिफंड होगा तो भी इसमें आएगा, ठीक है, स्टेटमेंट चेक कर देंगे, ठीक है ना। ऐड मनी, तो ऐड मनी का ऑप्शन आपको पता ही है, पेमेंट डालना है, ठीक है, जैसे कि आपको पेमेंट डालना है, बाद में आपका जो भी लिमिट तो आपकी आ जाती है, ठीक है। और क्विक पे पे अगर आपको किसी को स्कैन करके भेजना है तो उस क्विक पे पे करो, उसका बार कोड होना चाहिए, ठीक है ना, QR कोड, बार कोड जो भी हो, ठीक है ना, ठीक है, धन्यवाद।